हे गाइस, ऑलराउंडर एक्सप्लेनर में आज कोई एक्शन थ्रिलर या हॉरर मूवी नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बल्कि एक कॉमेडी ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये मूवी इतनी अच्छी है कि आपको हंसाएगी भी और सेम टाइम पर रुला भी सकती है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये यूट्यूब पर इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है। ये मूवी कितनी अच्छी है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी IMDB रेटिंग से जो कि 8.2 है और 95% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और ये कोरियन के ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग मूवीज में छठे नंबर पर आती है। तो कहानी है एक पिता की जिसके दिमाग की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। वो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ एक हंसी खुशी सी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन एक दिन उसके ऊपर एक छोटी बच्ची का रेप करके उसके मर्डर का इल्जाम लग जाता है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। तो क्या वो जेल से दोबारा निकल पाएगा, क्या वो अपनी बेटी से मिल पाया और क्या वो सच में मुजरिम था? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे एक्सप्लेनेशन में। तो बिना ज्यादा बात किए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको सच में वीडियो पसंद आ जाती है तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। मुझे वीडियो बनाने में लगभग 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन आपको लाइक करने में सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक जरूर कर दिया करिए और अगर ऐसी ही वीडियोज आपको आगे भी देखनी है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मूवी स्टार्ट होती है यूरा को दिखाते हुए। वो एक एक करके कुछ बंदों के पास जाती है, जैसे एक ज्योतिषी और एक फादरी के पास। वो सब उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर सीन चेंज होता है, फिर हम यूरा और उन्हीं बंदों को कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पर ट्रायल चल रहा था दैसुन नाम के बंदे के केस पर। दैसुन पर एक छोटी बच्ची का रेप करके उसकी हत्या का आरोप था। यूरा दैसुन की डिफेंडेंट थी। यूरा का कहना था कि दैसुन के केस में जो प्रोसिक्यूटर था उसने एविडेंस को और सिचुएशन को नजरअंदाज करते हुए फ्रॉड डेटा को कलेक्ट करके जबरदस्ती ही दैसुन को फंसाया था। यूरा ये बातें इतनी यकीन से इसलिए कह रही थी क्योंकि उस समय पर वो उसी जगह पर थी। यहाँ पर मूवी चली जाती है पास्ट में, जहाँ पर हम छोटी यूरा को देखते हैं। वो अपने पिता दैसुन के साथ थी। जी हाँ, दैसुन यूरा के पिता हैं और ये दोनों एक शॉप के बाहर टेलीविजन पे चल रहे मिरेकल सेलर मून गाने पर डांस कर रहे थे। दरअसल दैसुन का दिमाग थोड़ा सा अनस्टेबल था, उसका दिमाग थोड़ा बच्चों जैसा था और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था, वो थोड़ा अटक अटक कर बोलता था। यूरा को सेलर मून एनीमे बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो शॉप पर रखे हुए एक आखिरी पीस सेलर मून बैग को खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पापा दैसुन उससे कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें कल दिला दूंगा, क्योंकि कल उनकी सैलरी मिलने वाली थी तो वो कल उसे जरूर दिला देंगे वो बैग। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि उस सेलर मून बैग को किसी और ने ही खरीद लिया है। दैसुन शॉप में जाकर उस आदमी को समझाता है कि ये बैग वो अपनी बेटी के लिए खरीदने वाला था और ये दोनों रोज इस बैग को कम से कम 2 बार देखा करते थे। दैसुन उस आदमी की बेटी को पकड़ कर कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी वो आदमी गुस्सा जाता है कि तुमने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया, और वो दैसुन को थप्पड़ मारने लगता है। इन दोनों में बात बिगड़ जाती है, फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। दैसुन और यूरा लेटे हुए थे। यूरा अपने पिता से कहती है कि वो आखिरी पीस ही बचा हुआ था और वो भी चला गया। उसके पिता दैसुन उससे कहते हैं कि वो उसे सेलर मून बैग जरूर दिलाएंगे। तो नेक्स्ट डे जब दैसुन अपने काम के लिए निकल रहा था तो छोटी यूरा अपने फादर को वाटर बॉटल देकर उनसे टैप वाटर पीने के लिए मना करती है और खाना भी टाइम पर खाने के लिए बोल रही थी। मतलब यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची किस तरह अपने फादर का ख्याल रख रही थी। दैसुन एक ग्रोसरी स्टोर के पार्किंग लॉट में काम किया करता था। उसे उसकी सैलरी मिल चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो अब यूरा को सेलर मून बैग दिला सकता था। तभी पार्किंग लॉट में वही लड़की जिसने सेलर मून बैग खरीद लिया था, वो दैसुन को देखकर उसके पास आती है और पूछती है कि क्या तुमने सेलर मून बैग खरीद लिया। वो कहती है कि वो एक जगह जानती है जहाँ पर सेलर मून बैग मिल सकता है, तो वो दैसुन को लेकर अपने साथ जाने लगती है। दैसुन उस लड़की के पीछे ही जा रहा था तभी वो अचानक से फिसल कर गिर जाता है। यहाँ पर सीन कट हो जाता है, फिर हम उस लड़की को देखते हैं तो वो जमीन पर लेटी हुई थी और दैसुन उसकी पैंट लूज करके उसको CPR दे रहा था। तभी वहाँ से एक औरत गुजर रही थी, वो दैसुन को ये करते हुए देख लेती है और पुलिस को फोन कर देती है। दरअसल दैसुन कुछ और कर रहा था और उस औरत ने कुछ और ही समझ लिया था। रात का समय हो गया था, दैसुन अभी तक घर नहीं लौटा था। उसकी बेटी यूरा बाहर ही उसका वेट
वेट कर रही थी, लेकिन दैसुन लौटता भी कैसे, वो तो जेल में बैठा हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि पुलिस दैसुन को पकड़कर स्पॉट पर लेकर आती है। स्पॉट पर बहुत सारे रिपोर्टर्स और बहुत सारी पब्लिक जमा हुई थी। दरअसल वो लड़की कमिश्नर की बेटी थी। जी हाँ, जिस बंदे को हमने उस दिन शॉप पर देखा था वो कमिश्नर थे। ऑफिसर्स दैसुन को एक पुतला देकर उससे वो सब रिपीट करवाते हैं जो कि उसने उस दिन कमिश्नर की बेटी के साथ किया था। दैसुन वो सारी चीजें फिर से करता है और सारे लोग ही गलत समझकर उस पर गुस्सा होने लगते हैं। हालात बिगड़ने लगते हैं तो पुलिस उसे ले जाने लगती है, लेकिन उस भीड़ में उसकी बेटी भी पहुंच गई थी। वो अपने फादर को देख लेती है और उन्हें आवाज देते हुए उनके तरफ बढ़ती है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है और उसके फादर को जबरदस्ती ही पुलिस वाले ले जाते हैं। तो अब दैसुन को जेल भेज दिया जाता है। उसे जिस सेल में रखा जाता है उस सेल में पहले से ही 5 कैदी मौजूद थे, जिनका नाम था किम, पार्क, जो, ली, अंकल हून, और इन सब का लीडर ली था। वो लोग दैसुन से उसका नाम पूछते हैं तो दैसुन अपनी पूरी हिस्ट्री ही बता डालता है कि वो कब पैदा हुआ, उसके माता पिता का नाम, सारी चीजें, जैसे उसने इन सभी चीजों को रट कर अपने दिमाग में रखा हो। पार्क दैसुन की फाइल लेकर पढ़ने लगता है ये पता करने के लिए कि ये किस जुर्म के लिए अंदर हुआ है। उसके फाइल पढ़ते ही सभी को ये पता चल जाता है कि ये एक छोटी बच्ची के मर्डर के केस में अंदर हुआ है। वो लोग उसे बहुत मारते हैं कि तुम एक छोटी बच्ची को कैसे मार सकते हो। दैसुन के जेल जाने के बाद यूरा को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट भेज दिया जाता है। दैसुन जेल के ग्राउंड में अकेला ही बैठा हुआ था, उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था क्योंकि सब उसे बहुत ही बड़ा मुजरिम समझ रहे थे। जेल में एक A4 नाम की गैंग थी। उस गैंग का लीडर ली से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था, तो वो उसे मारने के लिए उसके तरफ एक पेन लेकर दौड़ता है, लेकिन दैसुन ने ये देख लिया था और वो ली के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो पेन दैसुन को लग जाती है और वो घायल हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये सभी अपने सेल में मौजूद थे। ली दैसुन से कहता है कि अगर तुम कुछ मुझसे मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। यहाँ पर दैसुन अपनी बेटी यूरा को मांगता है। तो जेल में एक कॉन्सर्ट था चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट वालों की तरफ से कैदियों के लिए, और इस बार इस कॉन्सर्ट में छोटे बच्चे भी परफॉर्म करने के लिए आए थे, जिसमें से एक बच्ची यूरा भी थी। कॉन्सर्ट चल रहा था तभी हम देखते हैं कि यूरा अचानक से गायब हो जाती है। दरअसल ये काम था जो का जो यूरा को वहां से गायब करके एक कार्डबोर्ड में रख कर उसको सेल में ले जाता है, और फाइनली दैसुन अपनी बेटी से मिल पाता है। वो उससे मिलकर बहुत खुश था। यूरा रोकर अपने पिता से शिकायत करने लगती है कि वो उसे बिना बताए ही क्यों चले गए थे। उसके पिता उससे इसके लिए माफी मांगते हैं। यूरा के सेल में आ जाने से किम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। उन लोगों की सिर्फ 2 साल की ही सजा बची हुई थी। किम को डर लगता है कि अगर वो लोग पकड़े गए तो उन लोगों की सजा बढ़ जाएगी, और वो ऐसा नहीं चाहता था। वो जेलर को बुलाकर यूरा के बारे में बताने वाला था, लेकिन यूरा छुप जाती है और वो किम को मना कर देती है। यूरा का मासूम सा चेहरा देखकर किम पिघल जाता है और वो जेलर को कुछ भी नहीं बताता। यूरा अपने फादर से पूछती है कि वो यहाँ क्यों हैं, वो घर कब चलेंगे। दैसुन जवाब देता है कि वो घर बहुत ही जल्दी चलेगा। मिस्टर हून यूरा को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि वो एक स्कूल है, उसके पापा एक स्कूल में हैं। लेकिन दैसुन अपनी बेटी को सच बताता है। वो बताता है कि ये एक जेल है और ये सभी बुरे इंसान हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि दैसुन इतने बुरे हालात में होते हुए भी अपनी बेटी से सच बोलना पसंद करता है। जो अपना सफाई का कुछ काम कर रहा था तभी उसे कुछ लोगों से पता चलता है कि इंस्टीट्यूट वाले वापस जा रहे हैं। वो फौरन ही सेल में पहुंचकर सभी को ये बातें बताता है और सभी यूरा को वापस भेजने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन यूरा वापस जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, उसे अपने फादर के साथ ऑल टाइम स्पेंड करना था। ली उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अच्छी जगह नहीं है, यूरा को स्कूल जाना है, उसे स्कूल जाकर पढ़ाई करनी होगी। लेकिन यूरा तब भी पर मान नहीं रही थी। वो सिर्फ एक ही शर्त पर तैयार होती है कि अगर ली उससे वादा करे कि वो उसे दोबारा लाएगा, तो ली उससे वादा कर लेता है। जो जिस तरह से उसे सेल में लाया था उसी तरह से वो उसे सेल के बाहर ले जाता है, लेकिन उसने देर कर दी थी। उसके सामने ही इंस्टीट्यूट की बस चली जाती है और यूरा को अपने फादर के साथ सेल में कुछ दिन और रहने का मौका।
मिल जाता है। ये सभी सफाई का काम कर रहे थे तो पार्किन से बताता है कि 2 दिन के बाद जेल में एक रिलीजन इवेंट होने वाला है जिसमें वो इंस्टीट्यूट वाले दोबारा से आएंगे, तब वो लोग यूरा को वापस भेज सकते हैं। रात को सोते वक्त यूरा अपने फादर से कहती है कि अगर वो सेलर मून बैग लेने के लिए उसके फादर से कभी ना कहती तो ये सब कभी नहीं होता। वो अपने फादर से कहती है कि मुझे पता है कि मेरे पिता एक बुरे इंसान नहीं है। यूरा की आवाज जेलर सुन लेता है और उसे इन लोगों पर शक हो जाता है। वो सेल के बाहर आ जाता है चेक करने के लिए, लेकिन ये लोग जैसे तैसे उसे बेवकूफ बनाकर बच जाते हैं। तो अब रिलीजन इवेंट वाला दिन आ गया था। ली बड़ी चालाकी से यूरा को छुपाकर बैक स्टेज ले जाता है, लेकिन जब वो और यूरा स्टेज पर देखते हैं तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रिलीजन इवेंट के लिए इंस्टीट्यूट वाले नहीं बल्कि बुद्धिस्ट लोग आए थे। ली सेल में पहुंचकर पार्क की अच्छे से धुलाई करता है गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मीनवाइल जेलर चीफ को कुछ तस्वीरें दिखाता है इंस्टीट्यूट वाले फंक्शन से रिलेटेड, और इन तस्वीरों में चीफ ये बात नोटिस कर लेते हैं कि पहले 3 बच्चे थे, बाद में एक बच्ची गायब हो गई है। जेलर को तो पहले से ही इन 5 पर शक था, और इस बार चीफ भी चेकिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं तो ये लोग पकड़े जाते हैं। चीफ बिना किसी को पता चले यूरा को वापस इंस्टीट्यूट भेज देते हैं और दहसुन को एक दूसरे सेल में बंद करवा देते हैं। चीफ ने ये इस वजह से किया था क्योंकि अगर ये बात ऊपर तक पहुंच जाती तो चीफ की रेपुटेशन खराब हो जाती और शायद उनकी नौकरी भी जा सकती थी कि उनके होते हुए इतनी बड़ी लापरवाही कैसी हो गई। उसी रात एक कैदी अपने सेल में आग लगा लेता है क्योंकि उसे उसकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा था। आग काफी बढ़ जाती है तो सभी कैदियों को उनके सेल से निकाल कर ग्राउंड ले जाया जा रहा था। तभी चीफ एक कैदी को बचाने के लिए उसके सेल में चले जाते हैं और वो खुद ही फंस जाते हैं। दहसुन ये देख लेता है, वो सभी से मदद मांग रहा था कि कोई उनकी मदद करो, लेकिन सब अपनी जान बचाकर भागने में ही लगे हुए थे। तो दहसुन खुद ही उस सेल में कूद जाता है चीफ को बचाने के लिए। सीन यहाँ पर कट हो जाता है। जब चीफ की आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं और वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। डॉक्टर चीफ को बताते हैं कि अगर उस टाइम पर दहसुन नहीं होता तो आज वो लोग चीफ के फ्यूनरल पर होते। तो जिस तरह से दहसुन ने ली की जान बचाकर उसका दिल जीत लिया था और बाकी सभी सेलमेट्स को अपना दोस्त बना लिया था, उसी तरह से उसने चीफ की भी जान बचाकर कहीं ना कहीं उनका भी दिल जीत लिया था। चीफ को भी अब ये बात समझ में आने लगी थी कि एक बंदा जो कि मेरी जान बचा सकता है वो एक छोटी बच्ची की जान कैसे ले सकता है। दूसरी तरफ यूरा अपने पिता से मिलने के लिए परेशान थी। वो अपने टीचर के पास जाती है। उसकी टीचर उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यूरा कहती है कि क्या ये बात आप मेरे फादर से पूछ सकती हैं। छोटी यूरा अपना दिमाग लगाती है। वो अपनी टीचर को अपने फादर का होम काउंसलर बनाकर ले जाती है जिससे उसे अपने फादर से मिलने का मौका मिल जाता है। दहसुन अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है। ये दोनों काफी देर तक बात करते हैं लेकिन दहसुन का वक्त खत्म हो जाता है। जेलर उसे ले जाने लगता है लेकिन वो जाना नहीं चाह रहा था, वो अपनी बेटी से कुछ देर के लिए और बात करना चाहता था। चीफ दरवाजे के बाहर खड़े होकर दहसुन का अपनी बेटी के लिए लगाव देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि दहसुन अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। तो उसी रात चीफ दहसुन के बारे में सोचते हैं। दरअसल उन्होंने अपने बेटे को भी खोया था तो वो अपनी औलाद से दूर रहने का दर्द समझ पा रहे थे। दहसुन अपनी बेटी से ना मिल पाने की वजह से काफी दुखी रहने लगा था और दूसरी तरफ उसकी बेटी भी अपने पिता से ना मिल पाने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। उसने खाना पीना बंद कर दिया था जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। चीफ को ये बात पता चलते ही वो यूरा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर यूरा चीफ से बोलती है कि उसे उसके पिता से मिलना है। चीफ बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से चले जाते हैं और वो जेल में जाकर ये फैसला करते हैं कि वो यूरा को दहसुन से मिलने देंगे। वो अपने भरोसेमंद जेलर को इस काम की जिम्मेदारी देते हैं। जेलर एक कार्डबोर्ड को लेकर ली के सेल में पहुंचता है। वो उन सभी से झूठ बोलता है कि इस कार्डबोर्ड में राइस बॉल है, लेकिन दहसुन गेस कर लेता है। वो कहता है कि इसमें यूरा है और तभी अचानक से यूरा उस बॉक्स से निकलती है और अपने पिता को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। दहसुन को ये पता चल गया था कि ये काम चीफ का है तो दहसुन चीफ को थैंक्स बोलने के लिए उनके ऑफिस में जाता है। वहां पर चीफ दहसुन से पूछते हैं कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा था, तो अब हकीकत में क्या हुआ था वो सारी बातें दहसुन चीफ को बता देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यूरा को देखते हैं। वो ली से कहानी सुनाने के लिए बोल रही थी लेकिन ली को पढ़ना ही नहीं आता था। इस बात पर जो और पार्क उसे बहुत सारी बातें सुनाते हैं जैसे कि इस जमाने में किसे पढ़ना नहीं आ सकता। दरअसल वो लोग उसे ऐसी बातें सुनाकर मोटिवेट करना चाहते थे कि वो भी पढ़ना लिखना सीखे।
दूसरी तरफ हम चीफ को देखते हैं, वो उस डिटेक्टिव से मिलने के लिए गए थे जो डायसन का केस संभाल रहा था। वो उस डिटेक्टिव से मिलकर जब डायसन की फाइल देखते हैं तो उसमें डायसन का स्टेटमेंट कुछ और ही था। डिटेक्टिव से चीफ को ये भी पता चलता है कि डायसन के उस स्टेटमेंट को किसी और ने ही लिया है, डिटेक्टिव ने नहीं लिया है। डायसन की ट्रायल की डेट आ चुकी थी। डायसन ठीक से बोल नहीं पाता था। अगर उससे कोर्ट में कुछ भी सवाल किया जाता तो वो कुछ और ही जवाब देता और उस जवाब को कोर्ट में उसके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सकता था। तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस दिन हकीकत में क्या हुआ था। दरअसल जब डायसन गिर गया था तो वो लड़की आगे बढ़ गई थी। जब डायसन उठकर आगे आकर देखता है तो वो लड़की उसे जमीन में पड़ी हुई ही मिली थी। तो वो उसे CPR देता है। उसे लगता है कि CPR देने से शायद वो ठीक हो जाए, क्योंकि जहाँ पर वो काम किया करता था उसे वहाँ पर ही ये ट्रेनिंग मिली थी कि अगर कोई बेहोश हो जाए तो उसे CPR देकर उठा सकते हैं। तो उसने उस दिन जो भी किया था वो सब उसे ट्रेनिंग में ही सिखाया गया था। उसने कमिश्नर के बेटे की पैंट भी इसलिए लूज की थी ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो सके, लेकिन उस औरत ने देखकर कुछ और ही समझ लिया था। तो अब ये सब मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो लड़की कैसे गिरी होगी। उस लड़की के सर पर चोट लगी थी और उसके ऊपर एक पत्थर भी गिरा था, जिसे सभी ने सोच लिया था कि डायसन ने ही उस पत्थर से उस पर हमला किया था। तो पार्क डायसन से पूछता है कि जिस दिन यह हादसा हुआ था उस दिन क्या तारीख थी। डायसन बताता है कि 27 थी। तभी जो बताता है कि अरे उस दिन तो टेम्परेचर -18 हो गया था, मतलब वो लड़की बर्फ से फिसल कर गिरी होगी। इन सभी ने अंदाजा लगा कर पूरी सिचुएशन समझ ली थी कि वो लड़की किस तरह से गिरी होगी और उसके किस तरह से सर पर चोट आई होगी। उसी के बेसिस पर ये लोग कुछ क्वेश्चन आंसर तैयार करते हैं कि डायसन से किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। वो लोग आंसर्स लिख कर डायसन को बिल्कुल से रटा देते हैं। डायसन अपनी पूरी जी जान लगाकर उन सभी आंसर्स को रट डालता है। दूसरी तरफ चीफ कमिश्नर के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डायसन की केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराएं। कमिश्नर का कहना था कि अगर उन्होंने दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराने की इजाजत दी तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत टाइम लगेगा और तब तक डायसन जेल से छूट सकता है, और कमिश्नर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। डायसन के ट्रायल से पहले उसका स्टेटमेंट लेने के लिए उसके वकील आते हैं, लेकिन वो वकील डायसन का स्टेटमेंट लेने की जगह उसे कमिश्नर के नाम से डरा कर ही चले जाते हैं। अब डायसन के ट्रायल का दिन आ चुका था। चीफ डायसन को ट्रायल के लिए कोर्ट ले जा रहे थे। रास्ते में जाते वक्त वो डायसन को हिम्मत देते हैं कि तुम्हें बिल्कुल सच बोलना है अपनी बेटी के लिए। डायसन कोर्ट पहुंच जाता है और वो अपने जवाब दोबारा से खूब अच्छे से रट रहा था। तभी उससे मिलने के लिए कमिश्नर आते हैं और कमिश्नर उसे बहुत मारते हैं। वो उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने अपने गुनाह को कबूल नहीं किया तो वो उसकी बेटी के साथ वही करेंगे जो डायसन ने कमिश्नर की बेटी के साथ किया था। मतलब यहाँ पर डायसन से जबरदस्ती वो गुनाह कबूल करवाने की कोशिश की जा रही थी जो कि उसने किया भी नहीं था। किसी ने भी उसका स्टेटमेंट लेने की कोशिश नहीं की और कोई उसकी बात सुनना ही नहीं चाह रहा था। डायसन अब कोर्ट में था और उसका ट्रायल चल रहा था। कमिश्नर के वकील उससे बार बार एक ही सवाल किए जा रहे थे, क्या उसने उस लड़की को मारा था, क्या उसने उस लड़की को मारा था। डायसन के दिमाग में कमिश्नर की धमकी ही घूम रही थी और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए बोल देता है हाँ उसने ही उस लड़की को मारा था, वो उस जुर्म को कबूल कर लेता है जो कि उसने किया ही नहीं था। चीफ बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो डायसन से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे पता है तुम क्रिमिनल नहीं हो, तुम सच बताओ। लेकिन चीफ को क्या पता कि वो बेचारा कितनी मजबूरी में ये बयान दे रहा है। चीफ डायसन के वकील को कुछ करने के लिए कहते हैं, लेकिन डायसन का वकील भी कमिश्नर की तरफ मिला हुआ था। वो डायसन को जरा भी डिफेंड नहीं करता है। डायसन के कन्फेस करने के बाद जजेस उसे मौत की सजा सुना देते हैं। अब डायसन के पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए थे। उन कुछ दिनों को चीफ और उसके दोस्त मिलकर यादगार बनाना चाहते थे, जिसमें चीफ उसकी बेटी को रोज उससे मिलवाने के लिए लाया करते थे। डायसन रोज अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुआ करता था। दूसरी तरफ ली की गैंग डायसन के आखिरी पलों को यादगार बनाना चाहती थी, तो वो लोग ली के लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं। जेल में इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सिंगिंग कॉन्सर्ट था। इस कॉन्सर्ट में यूरा भी थी।
सिंगिंग खत्म होने के बाद यूरा अपने फादर का और सभी बच्चे कैदियों का हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हैं, जहां पर एक एयर बैलून था जिसे ली की गैंग ने ही मिलकर बनाया था। डायसन अपनी बेटी यूरा के साथ उस एयर बैलून पर सवार होता है और ये लोग हवा में उड़ने लगते हैं। ये दोनों जेल की वॉल को क्रॉस करने ही वाले थे, लेकिन तभी उस बैलून की रोप जेल की ही वायर में फंस जाती है और इन दोनों का एयर बैलून अटक जाता है। उस बैलून पर ही डायसन और उसकी बेटी डूबते हुए सूरज का मजा लेते हैं। ये पल इन दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। नेक्स्ट डे क्रिसमस था और डायसन का आखिरी दिन भी। ली की गैंग एक एक करके यूरा को गिफ्ट देते हैं और डायसन भी अपनी बेटी को गिफ्ट देता है और उसने अपनी बेटी को गिफ्ट में सेलर मून बैग दिया था। तो फाइनली डायसन ने अपनी बेटी से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था। इसके लिए यूरा अपने फादर को शुक्रिया बोलती है। चीफ और जेलर डायसन को लेने के लिए आ चुके थे। डायसन के जाने से पहले ली और चारों लोग मिलकर उसकी शर्ट पर सब लोग अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। फिर डायसन अपनी बेटी के साथ ही अपनी मौत की तरफ बढ़ने लगता है। एक जगह पर रुककर डायसन अपनी बेटी से कहता है कि अब इसके आगे उसके पापा को अकेले ही जाना होगा। यूरा को कुछ भी नहीं पता था कि उसके पिता का आज आखिरी दिन है। वो अपने पिता से कहती है कि वो उनसे मिलने के लिए दोबारा आएगी। डायसन अपनी बेटी को गले लगाकर उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है और फिर वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ यूरा काउंटिंग कर रही थी कि उसके पापा पलट कर आएंगे। डायसन आगे बढ़ता है और जब उस सेल को देखता है तो वो समझ जाता है कि आज उसका आखिरी दिन है और इसके बाद वो अपनी बेटी से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो फौरन ही वापस जाकर अपनी बेटी को दोबारा से गले लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। यूरा को कुछ भी पता नहीं था कि उसके पिता का आज आखिरी दिन है। वो अपने पिता को रोते हुए देखकर खुद भी रोने लगती है। डायसन जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी मदद अब कोई भी नहीं कर सकता था। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर ली और पार्क ने जजेस को उस दिन की पूरी सिचुएशन समझा दी थी कि उस दिन असल में उस लड़की के साथ क्या हुआ था। यूरा भी ये साबित करने में कामयाब हो गई थी कि उसके पिता का कभी सही स्टेटमेंट लिया ही नहीं गया था और डायसन को जबरदस्ती ही फोर्स करवाकर उससे जुर्म कबूल करवाया गया था। फाइनली जजेस सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए डायसन को बेकसूर घोषित कर देते हैं। यूरा का मकसद था अपने पिता के नाम से उस दाग को हटाना, जिसमें वो कामयाब हो जाती है। फाइनली इतने सालों के बाद डायसन को इंसाफ मिल गया, लेकिन क्या फायदा ऐसे इंसाफ का कि बेटी ने अपने पिता के बिना ही अपनी जिंदगी गुजारी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरा जेल आई हुई थी चीफ से कुछ फाइल्स लेने के लिए। वो फाइल्स लेकर जब जेल से बाहर निकलती है तो वो एक बैलून देखती है जो कि जेल की वॉल की तार में ही फंस जाता है। उसे वो देखकर अपने पिता के साथ बिताया हुआ वही पल याद आ जाता है जब वो और उसके पिता एयर बैलून पर थे और वो इमोशनल होकर रोने लगती है। एंड मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, ये मूवी बेस है एक आदमी पर जिसे 1982 में मुजरिम घोषित कर दिया गया था एक 9 साल की बच्ची का रेप करने के लिए। फिर इसी आदमी को 2008 में मतलब 26 साल बाद निर्दोष घोषित कर दिया गया था। इस मूवी का रीमेक तुर्की, इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी बन चुका है। तुर्की में जो रीमेक बना था उसे लोगों ने ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, क्योंकि तुर्की ने जो रीमेक बनाया था उसमें से उन्होंने कॉमेडी वाला पार्ट हटा दिया था और सिर्फ इमोशनल पार्ट्स को ही रखा था, जिसकी वजह से मूवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। सो आई होप मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।